रायझिंग काश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी यांच्या हत्येप्रकरणी 3 संशयित दहशतवाद्यांचे फोटो जारी करण्यात आले आहेत. श्रीनगरच्या लालचौक परिसरामध्ये रायझिंग काश्मीर या इंग्रजी दैनिकाचे संपादक शुजात बुखारी यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पोलीस तपासामध्ये 3 जणांनी अत्यंत जवळून गोळ्या झाडून बुखारींना ठार मारल्याचं पुढं आलं आहे. त्या तिघांचे फोटो देखील जारी करण्यात आले आहेत. या हल्ल्यामध्ये बुखारींचे 2 अंगरक्षक देखील मारले गेले. ये सबकी आंखें भी खोलने के लिए है. जिन लोगों के हाथ जो है उनके खून में रंगे हुए हैं, उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. शुजात बुखारी सिर्फ एक जर्नलिस्ट ही नहीं था कश्मीर में, वो एक पीस एक्टिविस्ट भी थे. मेरे ख्याल में ट्रैक 2 के सतह पर और कश्मीर में जो है डिफरेंट जो रीजन्स कश्मीर के हैं उनको आपस में बातचीत के लिए एक टेबल पर ले आने के लिए, और दुनिया में भी काफ़ी जो पाकिस्तान भी वगैरह भी उन लोगों को भी जो है पीस का एक मतलब बद उसको समझाने के लिए भी जो उन्होंने काफ़ी काम किया. कई पीस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की. मेरे ख्याल में लास्ट ईयर भी इसी तरह से दुबई में एक पीस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उसको अटेंड की थी और उसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया था. और ये पहली बार जो है जहाँ पर हुर्रियत BJPU नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह सब लोग एक साथ बैठ कर पीस के बारे में बात कर रहे थे. मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को जो है वो गवारा नहीं था वो कि इनकी एक्टिविटीज़ जो है पीस के सिलसिले में, और उन्होंने अपना काम आज कर दिखाया. आज ये हमला जो है ये जो एक अटैक है ये पूरी मीडिया बरादरी पे हुआ है. इसको स्टेट गवर्नमेंट को हम वक्तन फवक्तन स्टेट गवर्नमेंट को ऑनरेबल गवर्नर को बोलते रहते हैं कि जो लोग बड़े प्रोमिनेंटली काम करते हैं इस फील्ड में, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम देखा जाए, उनको प्रॉपरली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाए. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और ये यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कभी सीरियसली इस चीज़ों को रिव्यू नहीं करती है. ये सोचते हैं ये जर्नलिस्ट लोग तो इनका काम है रिपोर्ट करना, जब हम चाहते हैं इनको बुला लेते हैं, जो प्रेस नोट भेजते हैं ये लगा देते हैं. लेकिन जान हथेली पे लेके वो लोग जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड को जम्मू कश्मीर की सिचुएशन से वक्तन फवक्तन अवेयर करते रहते हैं. फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.